फ्रेंड्स, सफल लोग वही करना पसंद करते हैं जो असफल लोग नहीं करना चाहते। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो आज से ये सोचना बिल्कुल बंद कर दें कि काश ये थोड़ा आसान होता। आज से आप सिर्फ ये सोचें, ये प्रयास करें कि आप दिन ब दिन और बेटर और बेहतर कैसे बन सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या डॉट इन। आज हम फिर से आपके लिए उत्तर प्रदेश की एक और रेनाउंड यूनिवर्सिटी की डिटेल में इंफॉर्मेशन लेके आए हैं और उसका नाम है इनवर्टिस यूनिवर्सिटी। बरेली लखनऊ हाईवे पर, दैट इज NH 24 पर, इसका 70 acre का ह्यूज कैंपस बना हुआ है, जहां से आप इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, फार्मेसी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, फैशन डिजाइनिंग, साइंस, एग्रीकल्चर की फील्ड में यूजी एंड पीजी कोर्सेज कर सकते हैं। आज के अपनी इस वीडियो में हम इसके प्लेसमेंट, रैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफर्ड कोर्सेज, फी स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी की डिटेल में बात करेंगे। अगर आप इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके सभी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। और अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर हमारी वीडियो में कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड करके आप हमसे चैट कर सकते हैं और काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गेट रेगुलर अपडेट्स ऑन कोर्सेज, कॉलेजेस, करियर एंड स्कॉलरशिप्स, सब्सक्राइब vidya.in। सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं। इनवर्टिस यूनिवर्सिटी NAAC अप्रूव्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जो कि UGC, AICTE, NCTE, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है। इसके साथ साथ इनवर्टिस यूनिवर्सिटी का काफी सारे इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेशन भी है। इसमें SAP, TCI, TCS, ओरेकल, विप्रो, तनिष्क, रिलायंस जियो, ABP न्यूज, रॉयल इनफील्ड, रेडिसन ब्लू जैसे कॉर्पोरेट्स का नाम आता है। कैंपस लगभग 70 एकड़ के एरिया में बना हुआ है, जिसमें आपको सभी फैसिलिटीज जैसे कि स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कैंपस, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब्स, कैफेटेरिया, मेडिकल फैसिलिटी, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज विद इन द कैंपस मिलती हैं। अब हम आपको यहां के प्लेसमेंट के बारे में बताते हैं। देखिए, इनवर्टिस यूनिवर्सिटी का ओवरऑल प्लेसमेंट अप्रॉक्स 70-75% का है। यहां का हाईएस्ट प्लेसमेंट अप्रॉक्स 24 lakh का और मिनिमम प्लेसमेंट अप्रॉक्स 4-5 lakh का है। अगर हम मैनेजमेंट कोर्सेज की बात करें तो मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए इनवर्टिस यूनिवर्सिटी पॉपुलर है, क्योंकि इससे पहले इनवर्टिस इंस्टीट्यूट था जो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट कोर्सेज को ऑफर करता था। अगर हम मैनेजमेंट कोर्सेज के प्लेसमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए इसकी पहचान काफी पुरानी है। अगर आप यहां से MBA कोर्स करते हैं तो आपको मिनिमम 3-5 lakh और ऑन एन एवरेज 6-7 lakh तक का प्लेसमेंट मिल सकता है। अगर आप यहां से BBA कोर्स करते हैं तो BBA कोर्स करके भी आपको अप्रॉक्स 2-4 lakh तक का प्लेसमेंट यहां पर मिल सकता है। मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को यहां से इंटर्नशिप भी काफी सारी रिनाउंड कंपनीज जैसे कि शेयर खान, AIS ग्लास, कैपिटल बॉक्स, एम ग्रुप जैसे ऑर्गेनाइजेशन में करने को मिल सकती है। लेकिन जब हमने इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्सेज के लिए स्टूडेंट्स के रिव्यूज पढ़े, रिव्यूज चेक किए, तो हमें पता लगा कि यहां से लगभग 40-45% स्टूडेंट्स को ही कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू प्लेसमेंट मिल पाता है और उसका भी एवरेज लगभग 3-5 lakh पर एनम का रहता है। हालांकि इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का इंडस्ट्री कोलैबोरेशन TCS, विप्रो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है, बट ये सभी कंपनीज भी यहां पर जब आती हैं कैंपस प्लेसमेंट के लिए तो इनका ऑफर्ड पैकेज 3-5 lakh तक ही होता है। तो अगर आप यहां से बीटेक सीएस करते हैं तो आपको ऑन एन एवरेज 3-5 lakh तक का ही प्लेसमेंट मिल पाएगा। ओवरऑल यूनिवर्सिटी रिनाउंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, डिसेंट यूनिवर्सिटी है। मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए आप डेफिनेटली इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे कोर्सेज के लिए डेफिनेटली आप एक बार इसको बाकी के ऑप्शन से कंपेयर जरूर कर लें, सही तरह से रिसर्च जरूर कर लें, तभी एडमिशन लें। आई होप आपको पता है कि अब आप vidya.in के थ्रू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन वन क्लिक में अप्लाई कर सकते हैं और आपको काफी सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स में डिस्काउंट भी मिल जाता है। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चेक कर सकते हैं। अब हम बात यहां के ऑफर्ड कोर्सेज की करते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग की फील्ड में यहां से कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप बीटेक, एमटेक, डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। बीटेक आप CSE, मैकेनिकल, सिविल, बायोटेक्नोलॉजी जैसी ब्रांचेस में कर सकते हैं, जिसकी फीस यहां की 1 lakh पर एनम की है। अगर आप बीटेक CSE विद स्पेशलाइजेशन करते हैं, क्लाउड के साथ करते हैं, साइबर सिक्योरिटी के साथ करते हैं, तो यहां
यहां की फीस अप्रॉक्स 150,000 पर एनम की होगी। इसी तरह से यहां की एमटेक की फीस लगभग 80,000 पर एनम की है। एमटेक आप यहां से सीएससी सिविल मैकेनिकल जैसे स्पेशलाइजेशन के साथ कर सकते हैं। यहां की डिप्लोमा की फीस लगभग 35,000 पर एनम की है। कंप्यूटर एप्लीकेशन की फील्ड में आप यहां से बीसीए एमसीए कर सकते हैं। बीसीए आप काफी सारे यूनिक स्पेशलाइजेशन के साथ भी यहां से कर सकते हैं। आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे स्पेशलाइजेशंस भी चूज कर सकते हैं बीसीए के लिए। यहां की बीसीए की फीस 50,000 पर एनम और एमसीए की फीस यहां की 65,000 पर एनम की है। मैनेजमेंट की फील्ड में आप बीबीए एमबीए कर सकते हैं। यहां की बीबीए की फीस 50,000 पर एनम और एमबीए की फीस यहां की 135,000 पर एनम की है। एमबीए में आपको यहां पर काफी सारे स्पेशलाइजेशंस मिलते हैं। आप यहां से मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल बिजनेस, रिटेल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, रूरल एंड एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट जैसे स्पेशलाइजेशन के साथ एमबीए कर सकते हैं। इसके अलावा आप फार्मेसी की फील्ड में डी फार्मा या बी फार्मा कर सकते हैं। डी फार्मा की फीस 120,000 पर एनम और बी फार्मा की फीस यहां की 140,000 पर एनम की है। आप बीएलएलबी या फिर बीजेएमसी कर सकते हैं जिसकी फीस 50,000 पर एनम की है। आप यहां से बीएससी फॉरेंसिक साइंस भी कर सकते हैं जिसकी फीस 80,000 पर एनम की है। फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं जिसकी फीस अप्रॉक्स 60,000 पर एनम की है। इसी तरह से आप एमएससी फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हैं जिसकी 55,000 पर एनम की फीस है। बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, इसकी भी फीस अप्रॉक्स 55,000 पर एनम की है। फ्रेंड्स, अगर आप इनवर्टिस यूनिवर्सिटी के सभी ऑफर्ड कोर्सेज और उनके फीस स्ट्रक्चर के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके सभी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन सभी ऑफर्ड कोर्सेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए, अगर आप यहां से बीटेक कोर्सेज करना चाहते हैं तो बीटेक कोर्स में आप एडमिशन जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पर या फिर 12th में 65% एंड अबव मार्क्स के बेसिस पर यहां पर ले सकते हैं। आपको मेरिट बेसिस पे भी एडमिशन मिल सकता है। इसके साथ साथ जेईई की रैंक के बेसिस पे भी आपको यहां पर एडमिशन मिल सकता है। अगर आप बीबीए, बीसीए, बीजेएमसी, बीएएलएलबी या फिर बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 12th में आई हुई परसेंटेज के बेसिस पे यहां पर आप मेरिट बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहां से एमबीए करना चाहते हैं तो मैट, कैट, सीमेट के स्कोर के बेसिस पे यहां पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ग्रेजुएशन बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्पेशलाइजेशंस में आपको ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे भी एडमिशन मिल सकता है। अगर आप यहां से एमटेक करना चाहते हैं तो भी आप ग्रेजुएशन में आई हुई परसेंटेज के बेसिस पे यहां पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप हमारे इस वीडियो से आपको इनवर्टिस यूनिवर्सिटी की सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जरूर मिल गई होगी और आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर हमारी वीडियो में कमेंट कि हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर हम आपको जल्दी से जल्दी दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर दें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।